सब बीसी कर रहे इधर यार, तो इनको हटाओ फटाफट से, फालतू यार के बातें कर रहे हैं चलो, ये, हेलो बाय सी यू, ये सब क्या दो यार कुछ तीन नहीं। सवाल मेरे हैं इसमें जो है मेरे पास, जो आपका आपने जो अभी तक का बेस्ट बॉलर फेस किया हो डेल आपकी लाइफ स्टेन, में, बेस्ट डेल स्टेन बॉस। कैप्टनसी के ऊपर सवाल पूछना नहीं चाहूंगा, बैट्स बैट्समैन कौन रहा है आपके साथ जो आपको सबसे ज्यादा फ्रीली या फिर जिसमें आपको सोचने की जरूरत ना पड़ी हो कि हाँ कि मैं किस इनिंग को लंबा कर सकता हूँ या कब मुझे शॉर्ट्स खेलने हैं, कब आपको फील किसके साथ सबसे कंफर्टेबल फील होता है? बैटिंग करते वक्त पार्टनरशिप, हाँ अरे यार मेरा सबसे ज्यादा अभी देखो भाई, मैं सब बैटिंग ओपन करता हूँ शिखर के साथ, फिर नंबर 3 पे विराट आता है, फिर आई थिंक इन दोनों के साथ मेरा सबसे ज्यादा पार्टनरशिप रहा है। और मुंबई इंडियंस में मैंने सबसे ज्यादा बैटिंग किया है मेरे ख्याल से कायरन पोलार्ड के साथ, तो उसके साथ भी मैंने काफी इंजॉय किया है बैटिंग करना। बेस्ट इनिंग और कौन सी लगती है? हाँ बेस्ट इनिंग बेस्ट इनिंग्स बहुत मुश्किल है यार, अभी मैं कैसे, सब अच्छा बोलेंगे यार अच्छा छोड़ो, लोग कहेंगे कि ये तीन ओडीआई में 300 हैं। बहुत सारे लोगों ने सवाल किए थे कि रोहित शर्मा के 3 डबल सेंचुरीज हैं, डबल सेंचुरी तुम्हारी टेस्ट मैं मैच वो में भी तीनों है। डबल सेंचुरी में से एक भी पिक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों। तीनों डबल सेंचुरी, जो सबसे पहला डबल सेंचुरी था वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, और बैंगलोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन बनाने का अलग ही मजा है भाई, और वो मेरा पहला डबल 100 था, तो वो हमेशा स्पेशल रहेगा। हम लोग साथ खेल रहे थे वाला मैच, हाँ बैंगलोर वाला। काफी काफी हाँ क्लोज हुआ था मैच, वो मुझसे शायद कैच में छूटा था एक थ्री उसमें थ्री कॉपनर एटी हमने कुछ बनाया था, और ऑलमोस्ट ने हाँ। शो किया था उधर से, तो और अच्छा सीरीज था वो दूसरा हम लोगों का। दूसरा जो डबल 100 है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला डबल 100 है, 264, तो वो भी टू मैं, सिक्सटी फोर हाँ तो वो भी मैं पीछे नहीं छोड़ सकता। फिर तीसरा जो था वो तीसरा डबल 100 है ना, उस दिन हमारा एनिवर्सरी था, तो उस दिन मैंने बनाया था, तो वो भी मैं नहीं छोड़ सकता यार, तो ये तीनों मुझे पकड़ के तो रखना तीनों है। बहुत अच्छे हैं। और छोड़ने वाली बात जहां तक है यार, डबल हंड्रेड साल लाइफ में एक लगता है लोगों की लाइफ में, मेहनत से बहुत मेहनतों के बाद ऊपर वाले ने दिया, और उम्मीद करते हैं कि और भी हम लोगों को साथ में कुछ देखने को मिले। लेकिन जनरली यार सीरियसली सामने बोलने वाली बात नहीं है, जितना बैटिंग देखने में मजा आता है और इतना ऐसा लगता है कि इजी के बंदे पर कोई प्रेशर नहीं, बंदा कोई पावर नहीं लगा रहा, लोग कहते हैं इतना फ्रीली खेलता है सब कुछ। हम लोग तो पता है कि हम लोग कितना हार्डवर्क करते हैं और कितना मेहनत है इसके पीछे, लेकिन रियल में ऐसा लगता है जैसे वीडियो गेम चलता है ना, एक क्या माइंडसेट रहता है उस टाइम पे कि शुरू में मुझे पता है कि थोड़ा सा टाइम हर आदमी को चाहिए होता है, लेकिन आप जितना लंबा इनिंग चलाते हो उतना इजी होता चला जाता है। वो सिस्टम क्या है? मेरा है ना एक सिस्टम बन चुका है यार एकदम, मतलब एक बोलते ना रूटीन बन चुका है, कि अभी इतने साल खेलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं इतने आसानी से विकेट नहीं दे सकता किसी को भी, उनको आउट करनी पड़ी, आउट करना चाहिए मुझे, तो मैं रिस्क जो होता है ना वो कम लेना पसंद करता हूँ, तो हाँ इसीलिए भाई बैट घुमाना सबसे आसान चीज है वर्ल्ड में, जाके पहले बॉल घुमाओ आसान चीज है, सबसे आसान चीज है। सबसे डिफिकल्ट चीज क्या है कि बॉल छोड़ना, डिफेंस करना, क्रीज पे टिके रहना, ये डिफिकल्ट चीज है ना लोगों को, मतलब अभी बैट घुमाकर तुम छक्का मार रहे हो तो लोगों को पसंद आता है, बट उसमें रिस्क कितने आउट होने के। तो वो मेरा तो है। सोचने का तरीका है उल्टा है, मतलब मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि यार मैं रिस्क नहीं लेना चाहता ज्यादा से ज्यादा, एक बार सेट हो जाऊंगा उसके बाद मुझे पता है कि अगर मैंने 40 ओवर तक खेल दिया तो हम मैच वैसे ही जीत जाएंगे, तो मेरे मेरे दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है कि मैं कैसे 40-45 ओवर तक मैं बैटिंग करूँ। हाँ लंबा देखते हो, रिस्क कम हाँ लेना और चाहते हो, हाँ क्योंकि मतलब ये चीज हमें भी कॉन्फिडेंस रहता है, ये चीज हमें भी भरोसा होता है कि अगर रोहित शर्मा अगर बैट विकेट पे है तो भले ही वो आधे से ज्यादा बोला खेल जाए, तो ये हमें पता है वो टीम के आधे से ज्यादा रन बनाकर भी देगा हमें, ये तो नो डाउट हमें रहता है हाँ कोई। लेकिन लोगों को नहीं कभी पता होता कभी है कि
लोगों को बहुत लगता है कि ये बॉल नहीं मारनी थी, वो नहीं मारनी थी, कि भाई लोग हमें पता होता है हम अंदर खेलते हैं, हमें कौन सा बॉल खेलना है कौन सा नहीं खेलना है। देखना और बोलना बहुत बिल्कुल, डिफरेंस होता है, मतलब लोगों का तो टाइम ओपिनियन हर आदमी को चाहिए होता बट है। नवदीप सैनी ने नमस्ते भैया बोला, नमस्ते रोहित भैया। नवदीप सैनी, अरे पाजी की हाल है? हाँ जी पाजी, पाजी, हाँ जी पाजी, तगड़े हो रहे हो कि नहीं? हाँ सैनी के जी पोस्ट तगड़े होते जा देखना, रहे हो। सारे सिक्स एब्स दिखते होंगे उसको हर पिक्चर में। सैनी भाई तगड़ा प्लेयर है भाई। बेस्ट तो फील्डर, मैं ये बोल रहा था कि हाँ, तो मतलब अभी इतने साल खेलने के बाद यार अभी नहीं रन बनाऊंगा तो कब बनाऊंगा, तो वो रन बनाने का चक्कर में मैं ज्यादा रिस्क नहीं उठाता हूँ। और ऑब्वियसली यार, जब अगर हम 350 रन चेस कर रहे हैं तो मैं अपने हिसाब से नहीं खेल सकता हूँ, मुझे टीम के हिसाब से खेलना पड़ेगा वो कि तो है। कितना रन चाहिए, पहले 10 ओवर में कितना रन बनाना चाहिए, ये वो सब। वो कैलकुलेशन मेरे और शिखर के बीच में अच्छा होता है, हम डिसाइड करते कि कैसे पहले 10 ओवर अप्रोच करना है, 5 ओवर अप्रोच करना है। और शिखर का कैसा है ना, शिखर मेरे को बहुत रिलीव कर देता है, मतलब बहुत मेरे लिए बहुत आसान कर देता है, क्योंकि शिखर ऐसा प्लेयर है कि अगर वो बैटिंग कर रहा है रिस्क नहीं उठा के भी वो चौका मार देता है, क्योंकि उसके पास चौका मारने का एबिलिटी है यार, मतलब ऑफ साइड में इतना अच्छा चौका मारता ऑफ है। साइड बहुत अच्छा खेलता है। हाँ हाँ, तो उसका वो उसके वजह से ना मुझे टाइम मिल जाता है कि चलो यार मैं थोड़ा टाइम लेके खेल सकता हूँ। मैं इतना पहले 10 ओवर में मैं उतना ज्यादा बाउंड्री नहीं मारता हूँ जितना मैं बाद में मारता हूँ, मेरा मेरा रोल उल्टा है उसके उससे। वही मैं बोला कि आप जितना लंबा खेलते हो उतना डेंजरस है, हाँ, तो स्पेशली टी वो ट्वेंटी में। मेरा मानना है कि अगर आपके हाथ 12 ओवर के बाद लगा कोई तो कयामत है। क्योंकि मेरे को पता है क्या होता है, मेरे आई थिंक ये मेरा मानना है कि मैंने पहले पूरे कितने 6 साल, 8 साल, 7 साल मिडिल ऑर्डर में बैटिंग किया है, तो मुझे मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग अच्छा करने का आइडिया है कि क्या होता है जब बॉल पुराना होता है, तो कहाँ पे शॉट्स ज्यादा लगने के चांसेस है, कौन से बॉलर को कहाँ लगेगा। जब आप ऊपर बैटिंग कर रहे हो, वो जो मैंने नहीं किया था अभी मैं कर रहा हूँ, तो वो ऊपर का जो फेज होता है अगर वो निकल गया, उसके बाद मुझे मिडिल ऑर्डर में कैसे बैटिंग करना है पता है। और बाद में मैंने अपना करियर शुरुआत किया था 6 और 7 नंबर पे बैटिंग करके, तो मैंने गेम फिनिशिंग रोल भी वो किया हुआ है, मतलब बॉल जब एकदम ही पुराना हो जाता है तो आप कैसे बैटिंग करते हो यार, वो बॉल रिवर्स होता है तो आपको शॉट्स देखने पड़ते हैं कि आप कहाँ मारोगे कहाँ नहीं मारोगे, कहाँ लगेंगे शॉट्स। वो उस दिन इरफान भाई से बात चल रही थी इसी बारे में, कि अगर किसी बॉलर को अगर हाँ कुछ सीखना है तो शमी, चल यार मैं जा रहा हूँ, अभी बेटी रो रही है उधर। हो गया भाई मेरे, शमी इलेक्ट्रिसिटी का पैसा नहीं भर रहा है लग रहा है तू वहां पर, इसीलिए तेरा बार बार लाइट कट रहा है भाई। चल यार शमी, आई एम ऑफ, थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग टू अस।
नेटवर्क कनेक्शन पुअर था थोड़ा सा। काफी लंबी बात हो गई यार। चलो भाई लोग, काफ़ी लंबी बात हो गई और नमाज का भी टाइम हो चुका है। सो नेटवर्क कनेक्शन के कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। सो फिर से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। चलते हैं, बाय, टेक केयर, और अब ख्याल रखिए अपना अपना। नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है यार, लाइट का कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा नेटवर्क ज़्यादा वीक है यहाँ पे। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।